टूटने की कगार पर था बिहार में गठबंधन, फिर ऐसे बन गई बात। बिहार में पूर्णिया कटिहार पर अब भी आमने सामने है आरजेडी कांग्रेस। पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी से मिलकर लिया आशीर्वाद। कन्हैया, पप्पू यादव की सीट पर फंसा पेच, कांग्रेस आरजेडी में अटकी बात। बिहार में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये फैसला तो हो गया है, लेकिन वो 9 सीटें कौन सी होंगी इस पर अभी भी विवाद चल रहा है। बेगूसराय से कन्हैया कुमार हो या पूर्णिया से पप्पू यादव, सबको नाउम्मीदी हाथ लग रही है। बिहार कांग्रेस नेताओं की लापरवाही और पार्टी से ज्यादा अपना नफा नुकसान देखकर काम करने वाले नेताओं की वजह से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन बात अब पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। लालू तेजस्वी के एकतरफा फैसले से इंडिया गठबंधन के वोटरों में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी। अब राजद कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन चुकी है, बस ऐलान बाकी है। बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी, लेकिन वो कौन सी सीट होगी इस पर अंतिम फैसला अब भी बाकी है। फिलहाल राजद कटिहार सीट देने को तैयार है, कांग्रेस निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद सीट जबकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की मांग कर रही है। इस पर तेजस्वी ने अभी तक सहमति नहीं दी है, पटना की बैठक में इस पर फैसला होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा भागलपुर से अपनी फिल्म अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं, इस पर राजद विचार कर रहा है। वहीं कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन कन्हैया पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, इसलिए लालू ने इस सीट को लेफ्ट को देने का मन बना लिया है, इस पर वो अड़े हुए हैं। उधर मीरा कुमार के लिए लालू सासाराम सीट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मीरा कुमार काराकाट सीट बेटे के लिए चाहती हैं, लालू इसके लिए तैयार नहीं है। विवाद अब भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है।